नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी के कर एपिसोड में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊँ कि आप अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। जैसे एक जीमेल अकाउंट होता है, ऐसे एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होता है, आप बहुत ही इजी तरीके से उसे कैसे क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए वीडियो पूरा देखना, कभी स्किप मत करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको उसमें सर्च बार में सर्च करना होगा माइक्रो माइक्रोसॉफ्ट फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जो पहली वेबसाइट, पहली जो लिंक है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट साइनिंग और क्रिएट योर अकाउंट टुडे, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। फिर आगे आपको नया अकाउंट जो क्रिएट करना है तो आपको इस साइनिंग वाले आइकन पे एक बार क्लिक करना होगा। तो इस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ आपको अपना जो भी ईमेल एड्रेस था, तो हमें जो न्यू अकाउंट बनाया था हमें क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है। बहुत ही इजी प्रोसेस बताऊंगा, आप बहुत ही अच्छे से अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो आपको जो यहाँ आपको ये बोल रहा है कि आप अपना फोन नंबर डाल सकते हो, अपनी जीमेल आईडी, तो हमें फिलहाल यहाँ अपनी जीमेल आईडी एड्रेस डालना है। तो हम यहाँ से अपनी जीमेल आईडी उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा जो पासवर्ड है, जो हमको पासवर्ड क्रिएट करना है, आप यहाँ से अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ, पर आपको वो नजर नहीं आए क्योंकि ये YouTube की गाइडलाइन के खिलाफ है। तो वन सेकेंड, हमने अपना पासवर्ड भी यहाँ से क्रिएट कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड, जो आपका जीमेल जो अपने जीमेल डाली, उस पर आपको एक कोड आएगा, ओपीटी कोड, वो आपको यहाँ डालना होगा। तो मैं जल्दी से ना अपने जीमेल को ओपन करके अपना कोड चेक कर लेता हूँ। तो हमारा जो जीमेल का कोड है वो आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट का, तो हम जल्दी से इसमें अपना कोड एंटर कर देते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। वन सेकेंड, तो सॉरी फ्रेंड, ये गलती से मुझे गलत हो गया। ये जल्दी से मैंने इनको पूरा कर लेता हूँ। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं ऐसे जल्दी से फटाक से कैसे क्लियर कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपने इस चैनल पे बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसकी मदद से आपको बहुत ही आसानी से आप इसे पूरी तरीके से समझ पाओगे। उसके बाद फ्रेंड्स, तो एक नया पेज ओपन हो रहा है, तो उसे हम ओपन हो जाने देते हैं। हो जा भाई, शायद मेरा नेट स्लो है। तो फ्रेंड्स, आप जब
आप उसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको तो यहां से आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, तो वो आप कैसे क्रिएट करोगे, आपको इस प्रोफाइल के आइकन पे एक बार क्लिक करना होगा। प्रोफाइल पे आइकन पे क्लिक करने के बाद आप यहां से अपने प्रोफाइल यहां ऐड कर सकते हो, पिक्चर जो भी है आप चाहे तो यहां से अपनी फोटो भी अच्छी लगा सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना नाम और लास्ट नेम आपको यहां सबमिट करना होगा, तो मैं जल्दी से उसे भी सबमिट कर देता हूं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहां से मुझे अपना लास्ट नेम और फर्स्ट नेम डालना होगा, तो मैं जल्दी से यहां से फ्रेंड्स यहाँ आपको कुछ अपनी जो यहाँ से आप अपनी फोटो भी यहाँ अपनी पिक भी यहाँ ऐड कर सकते हो अपने पर, और ये हमारा कुछ वही किस्सा बेटा। तो हम यहाँ से जल्दी से उसे ऐड कर लेते हैं। तो सॉरी फ्रेंड्स वन सेकेंड, तो उसके बाद आपको सेव के आइकन पे क्लिक करना होगा। तो क्या उसके बाद फ्रेंड्स आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो इसके बाद आप अपने माइक्रोसॉफ्ट की मदद से माइक्रोसॉफ्ट जो एप्लीकेशन है जो भी इसकी वो आप इससे मदद से उसे यूज कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो में कोई भी इशू है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो।